की शुरुआत में हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम लेविस होता है और वो हमेशा ही अपने सर पर अजीब तरह के गॉगल्स पहन कर रखता था। असल में वो एक टीवी कैरेक्टर जो कि एक कैप्टन होता है वो उससे काफी इंस्पायर्ड था और इसी वजह से वो हमेशा ही उसकी तरह सर पर गॉगल्स पहन कर रखता था। इस टाइम वो बच्चा लेविस एक बस में बैठा होता है क्योंकि वो अपने अंकल के पास जा रहा होता है। वो अपने पेरेंट्स को खो चुका है यानी कि उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई है। मरने से पहले उसके पेरेंट्स ने उसे एक बॉल तोहफे में दी थी और इस बॉल को लेविस हमेशा ही अपने पास रखता था क्योंकि जाहिर सी बात है कि उसके पेरेंट्स की आखिरी निशानी थी उसके पास। अब लेविस का और कोई तो था नहीं, इसी वजह से उसके अंकल उसे अपने पास बुला रहे थे। कुछ टाइम के बाद वो अपने अंकल के घर पहुंच जाता है। अब लेविस जब घर के अंदर जाता है तो वो वहाँ का नजारा देखकर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसे हर तरफ क्लॉक से दिखाई दे रहे थे। अब ये सारी चीजें लेविस को काफी अट्रैक्ट भी कर रही थी। फिर अंकल जोनाथन लेविस को उसका कमरा दिखाते हैं जो कि काफी बड़ा और काफी खूबसूरत होता है। यहाँ पर जोनाथन लेविस से उस बॉल के बारे में सवाल करता है जिस पर लेविस कहते हैं कि इसे मैं हमेशा ही अपने पास रखता हूँ। ये बताते बताते वो इतना दुखी हो जाता है कि रोने लगता है। तब ये देखकर अंकल जोनाथन उसे संभालते हैं और उसे खुश करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद खाने के टेबल पर कार्ड्स गेम खेलते हैं। अब हालांकि लेविस ने पहले ये गेम कभी भी नहीं खेली थी लेकिन फिर भी वो ये गेम लगातार जीत रहा था। असल में ऐसा उसके अंकल जोनाथन की वजह से हो रहा था क्योंकि उसके अंकल मैजिक करना जानते थे और वो मैजिक के जरिए ही ऐसा कर रहे थे। फिर रात को जब लेविस सो रहा था तो उसे काफी जोरदार मेटल गिरने की आवाज आती है जिससे डरते हुए वो फौरन ही उठ जाता है और तब उसे हर तरफ घड़ियों की टिक टिक की आवाजें आ रही थी। फिर वो अपने कमरे से बाहर आता है और पूरे घर को देखने लगता है लेकिन तभी वो अपने अंकल जोनाथन को देखता है जो कि एक हैमर से दीवार को तोड़ रहे होते हैं। अब ये चीज लेविस को काफी अजीब भी लगती है और वो काफी डर भी जाता है, इसीलिए वो वापस से अपने रूम में आ जाता है। फिर अगले दिन लेविस अपने नए स्कूल जाता है। यहाँ पर भी वो हर चीज को काफी गौर से देख रहा था क्योंकि ये स्कूल भी उसके लिए नया ही था। लेकिन तभी यहाँ पर एक लड़के से उसकी दोस्ती हो जाती है और पहले ही मुलाकात में इन दोनों की काफी अच्छी जमने लगती है। फिर लेविस का दोस्त उसे पूछता है कि आखिर तुम रहते कहाँ हो, तुम्हारा घर कहाँ है। तब ये सुनकर लेविस उसे अपने घर का एड्रेस बताता है कि मैं वहाँ पर रहता हूँ यानी कि एक हाई स्ट्रीट है और वहाँ पर जो सबसे पुराना बंगला है मैं वहाँ पर रहता हूँ। तब ये सुनकर लेविस के दोस्त उसे कहता है क्या तुम वहाँ पर रहते हो, इंसानों के रहने का घर तो नहीं है बल्कि वो तो एक बुचर हाउस है और वहाँ पर तो कुछ सालों पहले एक आदमी की मौत हुई थी और तभी से उस घर को हॉन्टेड हाउस कहा जाता है यानी कहा जाता है कि वहाँ पर भूत है और इसी वजह से वहाँ पर कोई भी नहीं जाता। अब ये सुनकर लेविस काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसके अंदर जोनाथन ने उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। फिर उसी रात जब लेविस सो रहा होता है तो उसके ड्रीम में उसकी मदर आती है। यहाँ लेविस अपनी मदर से कहता है मामा मुझे कुछ अजीब लग रहा है, मुझे लग रहा है कि जोनाथन अंकल मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। तब ये सुनकर उसकी मदर कहती है कि हाँ बेटा तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, यानी यहाँ सच में कोई गड़बड़ है जिसकी वजह से बेटा तुम्हारी जान खतरे में है। अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो तुम्हें होशियार रहना पड़ेगा, लेकिन हाँ अब जो मैं तुम्हें कहने वाली हूँ तुमने बिल्कुल वैसा ही करना है, तुमने एक किताब और एक चाबी ढूंढनी है। अब ऐसा बोलते ही उसकी मदर गायब हो जाती है और लेविस की भी आँख खुल जाती है। अब वो इस ड्रीम के बारे में सोचता है और उस रात फिर से अपने अंदर जोनाथन का पीछा करता है और वो दिखता है कि जोनाथन आज भी बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं जैसे कि वो कल रात कर रहे थे, यानी वो फिर से एक दीवार को तोड़ रहे हैं। अब ये देखकर लेविस फिर से डर जाता है और वापस से भागकर अपने रूम में आ जाता है। लेकिन तभी हम एक काफी हैरान करने वाला सीन देखते हैं, घर की सारी पेंटिंग्स और सारी चीजें हिलने लगती हैं क्योंकि वो जिंदा हो गई थी। और अब जब लेविस डरते हुए घबराते हुए वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था तो वो सारी चीजें उसके आगे आकर उसका रास्ता रोक रही थी। अब जाहिर सी बात है कि सब कुछ देखकर लेविस काफी डर जाता है और इसी वजह से वो चिल्लाने लगता है कि मेरी मदद करो मैं मुसीबत में हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर जोनाथन आ जाता है। यहाँ पर जोनाथन लेविस से कहता है बेटा मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें आज अपने बारे में बताता हूँ कि आखिर मैं क्या हूँ। मैं कोई इंसान नहीं हूँ बल्कि मैं एक मेल विच हूँ और जो मेरे दोस्त है ना वो भी कोई इंसान नहीं है बल्कि वो भी एक विच है और ये घर सच में हॉन्टेड है क्योंकि काफी टाइम पहले की बात है कि यहाँ पर एक जादूगर रहा करता था। यहाँ उस जादूगर के साथ उसकी वाइफ भी रहा करती थी। वो दोनों हस्बैंड वाइफ अलग अलग तरह के जादू करती रहती थी और फिर एक दिन एक खतरनाक जादू करते करते दोनों हस्बैंड वाइफ की मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले उन्होंने इस घर की दीवार में एक लॉक छुपा दी थी और तब से लेकर आज तक मैं उस क्लॉक को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मुझे पता चल सके कि आखिर उस क्लॉक का मतलब क्या है, किस मकसद के लिए है वो, और इसीलिए तो हर रात मैं एक न एक दीवार जरूर तोड़ता हूँ। तब ये सुनकर लेविस जोनाथन से कहता है अंकल मैं भी इसमें आपकी मदद करना चाहता हूँ और इसके लिए मैं भी आपकी तरह मेल विच बनना चाहता हूँ क्योंकि मुझे भी जादू पसंद है, मैं भी मैजिक करना चाहता हूँ। अब हालांकि पहले तो उसके अंकल इस बात के लिए मना कर देते हैं लेकिन फिर लेविस के काफी जिद करने पर वो उसे मैजिक सिखाने के लिए मान ही जाते हैं। जोनाथन लेविस को बहुत सारी मोटी मोटी किताबें पढ़ने के लिए देता है और ये सारी किताबें मैजिक के हवाले से ही होती हैं। अब लेविस एक काफी जहीन बच्चा था इसीलिए उन सारी किताबों को पढ़ के उनको याद भी कर लेता है और
याद रखना, कभी भी इस अलमारी को खोलने की कोशिश मत करना, और अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा, तुमसे बात भी नहीं करूंगा और सारी जिंदगी तुम्हें माफ भी नहीं करूंगा। अब स्कूल में सारे बच्चे लेडीज की गोगल्स का मजाक बनाते हैं। तब ये सुनकर उसका दोस्त कहता है कि गोगल्स तुम्हें बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, इसलिए तुम इनको उतार दो। फिर इसके साथ तुम बिल्कुल ही अजीब दिखते हो। गोगल्स उतारने से तुम नॉर्मल भी दिखोगे और मैच्योर भी। और अब यहाँ पर लेडीज अपने दोस्त की बात मान लेता है और उन गोगल्स को उतार देता है, क्योंकि वो अपने दोस्त की बात को टाल नहीं सकता था। अब जोनाथन और उसके दोस्त लेविस को मैजिक स्पेल्स यानी जादुई मंत्र सिखाने की कोशिश कर रहे थे। जादू सीखने के लिए लेविस काफी मेहनत करता है और काफी हद तक वो मैजिक सीख भी जाता है, और अब वो अपने डेली रूटीन के काम में मैजिक का इस्तेमाल करता था। साथ ही साथ जोनाथन और लेविस भी एक दूसरे से काफी अटैच हो गए थे। अब जोनाथन और उनके दोस्त हर रात वॉल्स के पीछे छुपी क्लॉक की मिस्ट्री को सॉल्व करने का प्लान बनाते हैं। जोनाथन को घर के बेसमेंट में एक कमरा मिलता है और इस कमरे को उसने आज से पहले कभी भी नहीं देखा था। साथ ही साथ उसे उस जगह का मैप भी मिल जाता है यानी जहाँ पर उस क्लॉक को छुपाया गया था। अब लेविस अपने दोस्त को अपने घर ले आया होता है और उसे अपने पूरे घर का विजिट करवाता है, लेकिन तभी लेविस के दोस्त की नजर उसी अलमारी पर पड़ जाती है यानी जिसे खोलने से जोनाथन ने लेविस को मना किया था। लेकिन लेविस के काफी मना करने के बावजूद भी उसका दोस्त उस अलमारी को खोल ही देता है। अब उन्हें इस अलमारी से वही किताब मिलती है जिसे ढूंढने के लिए लेविस की मदर ने कहा था जब वो उसके ड्रीम में आई थी। यहाँ लेविस का दोस्त उस किताब को खोलता है और उसे इस किताब में मरे हुए लोगों को कैसे जिंदा करते हैं इसका मैजिक मिलता है। और तभी लेविस अपने अंकल जोनाथन के आने की आवाज सुनता है, इसी वजह से वो डर जाता है और अपने फ्रेंड से वो किताब लेकर उसे वापस से अलमारी में रख देता है। तब इस बात पर उसका दोस्त उससे नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। लेविस की मदर एक बार फिर से उसके ड्रीम में आती है। यहाँ वो उसे कहती है कि शाबाश बेटा, तुमने उस किताब को ढूंढ लिया और अब तुम्हारा काम है कि तुमने उस बुक का इस्तेमाल करना है। तुम इस किताब के जरिए असली मैजिक करके अपने दोस्त को इम्प्रेस भी कर सकते हो और इस तरह से दोबारा से तुम दोनों की दोस्ती हो जाएगी। फिर अगले दिन लेविस फिर से अपने दोस्त को इनवाइट करता है। वो कहता है कि इस बार मैं तुम्हें असली मैजिक करके दिखाऊंगा जिसमें कि मैं तुम्हें एक मुर्दा इंसान को जिंदा करके दिखाऊंगा। अब ये सुनकर पहले तो लेविस का दोस्त उसकी बात नहीं मानता, लेकिन अब क्योंकि वो लेविस का मैजिक देखना चाहता था इसी वजह से वो फौरन ही मान जाता है। फिर लेविस रात के टाइम उस अलमारी से उस किताब को चुरा लेता है। उस बुक को लेने के बाद वो फौरन से कब्रिस्तान में चला जाता है ताकि वो वहाँ पर जादू कर सके जिसके जरिए वो किसी भी मुर्दा इंसान को जिंदा कर सके। यहाँ पर लेविस का दोस्त भी होता है और वो लेविस को जल्दी से मैजिक दिखाने के लिए कहता है। अब यहाँ उस किताब के ऊपर एक एरो लगा हुआ था जिसके मूव करके उन्हें एक कब्र की तरफ इशारा कर रहा था, और अब लेविस उसी तरफ जाने लगता है और फिर वो उस कब्र के पास आ ही जाता है और इस कब्र के सामने वो मुर्दों को जिंदा करने वाले स्पेल्स यानी मंत्र पढ़ने लगता है। जैसे ही वो इन स्पेल्स को पूरा करता है तो हम देखते हैं कि उस कब्र में से आवाजें आने लगी हैं, और तब देखते ही देखते एक गोस्ट का हाथ उस कब्र से बाहर आता है। तब ये देखकर वो दोनों दोस्त काफी डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। और अब हमें यहाँ पर ये बात पता चलती है कि कब्र असल में किसी और की नहीं बल्कि उसे जादूगर की थी जिसके बारे में जोनाथन ने लेविस को बताया था, यानी जो पहले उनके घर में रहा करता था। अब इस तरह से लेविस ने उन मैजिकल स्पेल से इस जादूगर को दोबारा से जिंदा कर दिया था। अब लेविस घर आते ही उस किताब को दोबारा से उसी अलमारी में रख देता है ताकि उसके अंकल को पता न चल जाए। इसके बाद फौरन ही वो अपने रूम में जाके सो जाता है। घर में मौजूद सारे स्टेच्यूज जोनाथन को बताते हैं कि वो जाग चुका है और वापिस आ रहा है। अब ये सुनकर जोनाथन काफी घबरा भी जाता है और काफी हैरान भी होता है, इसी वजह से वो फौरन कब्रिस्तान जाता है। तब वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि उस जादूगर को किसी ने दोबारा से जिंदा कर लिया है, और ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। अब जोनाथन और उसके दोस्त सारी तैयारियां करने लगते हैं ताकि वो उस जादूगर को घर के अंदर आने से रोक सके, लेकिन तभी वहाँ पर लेविस भी आ जाता है और अपने अंकल को सारी बात बताने की कोशिश करता है कि ये सब कुछ मैंने किया है। लेकिन इससे पहले जोनाथन के दोस्त लेविस को ये बात बता देती है कि उस जादूगर को दोबारा से किसी ने जिंदा कर दिया है, और हाँ अगर जोनाथन को ये बात पता चल गई कि उस जादूगर को दोबारा जिंदा किसने किया है यानी दोबारा उसे किसने बुलाया है, तो जोनाथन उस इंसान को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब ये सुनकर लेविस काफी डर जाता है और इसी वजह से वो यहाँ पर चुप रहता है और उन्हें कुछ नहीं बताता। जोनाथन लेविस को अपनी दोस्त के साथ उसके घर पर ही भेज देता है। जोनाथन यहाँ पर लेविस से कहते हैं कि जाओ बेटा, तुम इनके साथ इनके घर पे रहो क्योंकि फिलहाल यहाँ पर खतरा है, ये जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। घर पहुँचने के बाद जोनाथन की दोस्त लेविस को उस जादूगर की जिंदगी के बारे में बताने लगती है। असल में जोनाथन और वो जादूगर दोनों बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे और वो साथ में मिलके मैजिक शोज किया करते थे। फिर एक दिन वो जादूगर एक जंग लड़ने के लिए चला गया, लेकिन जब वो वापस आया तो वो बिल्कुल ही बदल गया क्योंकि वो जादूगर असल में एक ब्लैक फॉरेस्ट में ही खो गया था। ब्लैक फॉरेस्ट एक काफी खतरनाक और पुरानी जगह थी। इसके बाद जोनाथन की दोस्त लेविस को आगे बताती है कि जब वो जादूगर वहाँ पर गया इन्हीं ब्लैक फॉरेस्ट में, तो उसे वहाँ पर एक मेल विच मिला जिसने उस जादूगर को और ज्यादा खतरनाक जादू सिखाया। साथ ही साथ उसने उसे ब्लैक मैजिक भी सिखाया और कुछ किताबें भी दी, और उनमें से एक
अपने साथ ले जाने लगता है तो तभी हम देखते हैं कि वहाँ की सारी किताबें उड़ने लगती हैं और वो सारे गोल गोल घूम कर लेविस पर हमला कर देती है। अब इससे डर कर लेविस चिल्लाने लगता है, तब उसकी आवाज सुनकर जोनाथन और उसके दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं और लेविस को बचा लेते हैं। यहाँ पर लेविस उन्हें बताता है कि मैं इस मैप को पढ़ने में आपकी मदद कर सकता हूँ और यहाँ पर लेविस अपने फेवरेट कैरेक्टर यानी कि उस कैप्टन की एक ट्रिक से उस मैप को फाइनली पढ़ लेता है। उसमें लिखा होता है कि ये ब्लॉक दुनिया को पास में ले जाएगा। असल में वो जादूगर और उसकी वाइफ इस पूरी दुनिया को खत्म करके इसे डार्क मैजिकल वर्ल्ड बनाना चाहते थे ताकि वो वहाँ पर राज कर सके, और इसी वजह से उस जादूगर ने इस क्लॉक को बनाया। और ये क्लॉक कोई ऐसे ही नहीं चल जाएगी बल्कि उसे चलाने के लिए इंसानी हड्डी की बनी हुई एक चाबी चाहिए, और उस बोन की को भी उस जादूगर ने काफी पहले ही बना लिया था। और अब ये तीनों उस जादूगर को ऐसा करने से रोकने के लिए फौरन घर पहुँचते हैं, और घर जाने के बाद इन्हें यहाँ पर पता चलता है कि असल में वो जादूगर यहाँ पर आया था इसी बोन की को लेने के लिए, क्योंकि घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था और ये चाबी अभी भी जोनाथन के पास ही होती है। अब यहाँ पर ये लोग इस चाबी को डिस्ट्रॉय करने के लिए अलग अलग तरह की मैजिक करते हैं, और तभी यहाँ पर लेविस उन्हें सारी बात सच बता ही देता है कि अंकल मुझसे गलती हो गई, असल में उस जादूगर को वापस मैं ही लेकर आया हूँ जिंदा करके, सारा कसूर ही मेरा है। अब ये सुनकर जोनाथन लेविस पर काफी गुस्सा करते हैं, साथ ही साथ उसे काफी डांटते भी हैं। लेकिन तभी यहाँ पर जोनाथन की दोस्त उसे समझाती है कि प्लीज चुप हो जाओ, बच्चा है उसे गलती हो गई है, माफ भी कर दो उसे। यहाँ पर लेविस विंडो से देखता है कि उस जादूगर का गोस्ट जोनाथन के नेबर के घर पर जा रहा है। अब लेविस फौरन से उनके घर पर जाता है, उन्हें भी अपने साथ अपने घर पर ही ले आता है। अब जैसे ही वो नेबर इनके घर पर आती है तो जोनाथन और उनके दोस्त खुद को एक रूम में बंद कर लेते हैं। लेकिन तभी हम यहाँ पर एक काफी हैरान करने वाला सीन देखते हैं, वो नेबर जादूगर के गोस्ट को घर के अंदर ही बुला लेती है। यहाँ पर वो जादूगर लेविस को बताता है कि असल में ये नेबर कोई और नहीं बल्कि मेरी वाइफ है जिसने इस नेबर का रूप लिया हुआ था अभी तक। असल में हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने उस नेबर को मार दिया था और बाद में उसकी बोन से वो वाली की बना ली थी, और जब हम दोनों हस्बैंड वाइफ की मौत हुई थी तभी से मेरी वाइफ इस नेबर का रूप लेकर रह रही है। यहाँ पर वो लेविस को ये भी बताता है कि मुझे तुम्हारी ड्रीम में तुम्हारी मदर आती थी, वो भी तुम्हारी मदर नहीं थी बल्कि ये ही मेरी वाइफ ही थी जो कि तुम्हारी माँ का रूप लेकर आती थी। अब उस जादूगर की वाइफ तो जिंदा हो गई थी लेकिन अब उस जादूगर का जिंदा होना जरूरी था, यानी ये सब कुछ उन्होंने जादूगर को जिंदा करने के लिए ही किया था। अब जोनाथन और उनकी दोस्त किसी तरह उस कमरे से बाहर निकल के लेविस की जान बचाने के लिए आते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि वहाँ पर तो लेविस होता ही नहीं है क्योंकि असल में वो जादूगर लेविस को बेसमेंट में कैद कर चुका था। अब जोनाथन और उसके दोस्त वहाँ पर पहुँच कर लेविस को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो जादूगर चालाकी से उन दोनों को भी पकड़ के बांध देता है। यहाँ पर जोनाथन उस जादूगर को अपनी दोस्ती याद करवा के उसे नॉर्मल करने की कोशिश करता है। तभी ये सुनकर वो जादूगर उसे कहता है कि जंग के दौरान मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया और मैं कैसे वहाँ से बच के निकला था ये मुझे ही पता है, और फिर ब्लैक फॉरेस्ट में मुझे एक डीमन मिला, उस डीमन ने पहले तो मेरा खून पिया और बाद में मेरे खून के बदले उसने मुझे भी कुछ पीने के लिए दिया था, और जैसे ही मैंने उस ड्रिंक को पिया तो मेरे माइंड में उस क्लॉक के ब्लू प्रिंट्स आने लगे और इसीलिए वापस आके मैंने उस क्लॉक को बनाया। इसके बाद जोनाथन उसे समझाने की काफी कोशिश करता है, वो उससे ये भी कहता है कि खुद गर्ज होने के साथ साथ तुम तो अपने भी दुश्मन निकले, तुमने इस दुनिया को खत्म करने के लिए अपने अंदर एक डीमन को जगह दे दी। लेकिन उस जादूगर को तो ये लगता था कि उस डीमन ने उसे दुनिया की सबसे पावरफुल चीज दे दी और उसी की मदद से शायद वो ब्लैक फॉरेस्ट से बचकर बाहर निकला था। यहाँ वो जादूगर जोनाथन से वही बोन की लेने की कोशिश करता है, लेकिन तभी यहाँ पर जोनाथन के दोस्त की पावर्स वापस आ जाती है, यानी अब वो मैजिक कर सकती थी, इसीलिए वो यहाँ पर मैजिक करके खुद को और जोनाथन को जादूगर की मैजिक से आजाद कर लेती है। लेकिन वो जादूगर अपने काले जादू की मदद से जोनाथन से वो बोन की हासिल कर लेता है, फिर वो अपनी वाइफ को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर बहुत सारे पुतले उन्हें मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ते हैं, तो वो तीनों बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाते हुए वहाँ से बाहर निकलते हैं। इसके बाद वो तीनों जोनाथन के दोस्त के घर पर आ जाते हैं। यहाँ पर लेविस अपनी बॉल की मदद से उस क्लॉक की लोकेशन का पता लगवा लेता है, लेकिन उस क्लॉक को डिस्ट्रॉय करने के लिए इनके पास टाइम बहुत ही कम था क्योंकि आज रात चांद ग्रहण लगना है और उसी टाइम उस जादूगर ने उस क्लॉक की मदद से इस दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देना है। इसलिए अभी लोग क्लॉक को ढूंढने के लिए जोनाथन के घर पर वापस जाते हैं और उस क्लॉक की लोकेशन उस बॉल ने फायर प्लेस के नीचे गिरी होती है। अब यहाँ पर जोनाथन की दोस्त उस स्नेक को मार डालती है जो कि उस रूम की हिफाजत कर रहा था, और जोनाथन और लेविस जादूगर को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो जादूगर बोन मैजिक की मदद से उस क्लॉक को स्टार्ट कर देता है और अपनी वाइफ को लेकर वहाँ से चला जाता है। यह जोनाथन और लेविस उस क्लॉक को बंद करने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वो क्लॉक जोनाथन को एक छोटे से बच्चे में तब्दील कर देती है। जोनाथन की पूरी बॉडी एक बेबी में बदल गई थी सिवाय उसके चेहरे के, और अब यहाँ पर लेविस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब उसे क्या करना चाहिए। फिर वो अपनी बॉल से ही हेल्प मांगता है और तब उस एक बॉल पर गुड बाय लिखा हुआ आता है, और अब यहाँ पर लेविस को ये
लौट जाती है। इसके बाद लेविस एक और पावरफुल मैजिक करके उस जादूगर और उसकी वाइफ को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता है, क्योंकि वो क्लॉक डिस्ट्रॉय हो गई थी। इसी वजह से जोनाथन अपने असली रूप में आ जाता है वापस। यह जोनाथन और उसकी दोस्त लेविस की काफी तारीफें करते हैं, उसे अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि आज उसने ही इस दुनिया को तबाह होने से बचा लिया। उस घर में एक हैप्पी फैमिली की